everyone my name is Meena Sharma today again I'm with you in this video we'll read the summary and question answer of chapter 6 of class 12th English book Vistas the name of the chapter is on the face of it written by Susan Hill now let's see or we'll come to know about something about the author about Susan Hill Susan Hill is an English author of fiction and non-fiction works एक ये सुशैन हिल एक इंग्लिश ऑथर है फ़िक्शन और नॉन फिक्शन फिक्शन होता है कल्पनात्मक इमेजिनरी और नॉन इमेजिनरी जो वर्क्स हैं लिटरेरी वर्क्स हैं उनके ये इंग्लिश ऑथर हैं हर नॉवल्स इंक्लूड द दमेन इन ब्लैक जो उनके फेवरेट और यू कैन से फेमस नॉवल्स हैं उनमें इंक्लूड होता है वुमेन इन ब्लैक द मिस्ट इन द मेर एंड आई एम द किंग ऑफ द कैसल for which she received the Somerset Maugham Award in 1971 seventy one और इन सारे नोवेल्स के लिए फेमस नोवेल्स के लिए उनको Somerset Maugham Award में मिला है 1971 Now let's start with the summary of the chapter on the face of it the story of a child who has you can say acid mark on his face half of his face and he was very much depressed because of that mark or burn mark on his face let's see how एन ओल्ड मैन टॉक टू हिम बी फ्रेंड विद हिम एंड मेक हिम रियलाइज दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैजूनिक पर्सनैलिटी एंड दैट मस्ट है चैप्टर द स्टोरी बिगिनस विदिज बॉय एंट्रिंग अ गार्डन ये स्टोरी जो शुरुआत होती है विदिज बॉय एक कम उम्र का बच्चा है एंट्रिंग अ गार्डन जो एक गार्डन में एंटर करता है हिज फेस इज burnt, उसका चेहरा जला हुआ है ऑन वन साइड एक तरफ से ड्यू टू एन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट की वजह से when एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस जब उस एक एसिड उसके ऊपर गिर जाता है उसके आधे चेहरे पर ज गोन्न देयर टू हाइड हिमसेल्फ वहाँ जाता है अपने आप को छुपाने के लिए एज ही इज अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल क्योंकि वो डरता है लोगों का सामना करने से ही फीयर्स बींग टीज्ड उसे डर लगता है टीज्ड होने से यानि लोगों का मजाक बनने से बाई अदर्स दूसरों का मजाक बनने से फॉर हैविंग सच अ फेस ऐसा फेस होने की वजह से बट वेन ही एंटर्स लेकिन जब वो आता है उस गार्डन में ही फैंड समी प्रेजेंट देर वो देखता है कि कोई और पहले से ही वहाँ पर है ही ट्राइज टू लीव द प्लेस वो कोशिश करता है उस जगह को छोड़ने की बट ही इज टॉप्ड बाय एन ओल्ड मैन वो एक बूढ़े आदमी के द्वारा रोक लिया जाता है एंड द ओल्ड मैन इज मिस्टर लैम और ये जो ओल्ड मैन है वो है मिस्टर लैम द ओनर ऑफ द गार्डन उस गार्डन का मालिक देरी द बॉय फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन उसे गलती महसूस होती है उस गार्डन में एंटर होने की वजह से विदाउट परमिशन क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली थी मिस्टर लैम वेलकम्स हिम मिस्टर लैम उसको स्वागत करता है एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस और उससे वो बताता है मिस्टर लैम कि वो इस गार्डन को सिर्फ इसलिए ना छोड़े क्योंकि वो वहां पर है डेरी वॉन्ट्स टू लिव एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस डैडी वहाँ से जाना चाहता है एज ही थिंक्स क्योंकि वो सोचता है पीपल डोंट लाइक हिज फेस लोगों का उसका चेहरा पसंद नहीं आता एंड मोर एवर और इससे कहीं ज़्यादा दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स वो उसके इस लुक्स की वजह से डर जाते हैं बट मिस्टर लैम इंसिस्ट stay there लेकिन मिस्टर लैम काफ़ी इंसिस्ट करते हैं जिद करते हैं उसे वहाँ रोकने की दे एंटर इन टू अर कॉन्वर्सेशन दैट हाउ डेर इज नॉट लाइक बाय एनिमन और वह एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं कि दैट हाउ डेर इज नॉट लाइक बाय एनिमन की किस तरह से डेरी को कोई पसंद नहीं करता एंड हाउ ही हेट्स पीपल लोगों को वो किस तरह से नफरत करता है लोगों से बिहेविंग लाइक दिस विधिम उसे इस तरीके से बिहेव करने की वजह से मिस्टर लैम ट्राइज टू कॉन्सोल ही मिस्टर लेम उसको कॉन्सोल उसे धीरज बनाना चाहते हैं कोशिश करते हैं

स्टिल हीज़ नॉट डिप्रेस्ड फिर भी वो तनाव में नहीं आता है एंड एंजॉय हिज लाइफ अपने जीवन को इन्जॉय करता है दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स उन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग बातों चीज़ों पर उन्होंने बातें की एंड दिस लीड्स टू रेवोल्यूशन ऑफ़ डेरिसफियर डिप्रेशन एंड हैटर्ड अबाउट हिज बींग इन सच कंडीशन और इस तरह की बातों से पता चला उसे डेरी के डर का डिप्रेशन का उसकी नफ़रत का अबाउट हिज बींग इन सच कंडीशन अपनी इस अवस्था में होने की वजह से बट मिस्टर लेम कीप्स ऑन टाइलिंग हिम लेकिन मिस्टर लैम लगातार उसे कहते रहे बताते रहे टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग कि वो पॉजिटिव आस्पेक्ट को देखे लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें सुन जल्दी ही दे बिकम फ्रेंड्स वो दोस्त बन गए एंड मिस्टर लैम आस्कर लैम ने उसे पूछा टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिस गार्डन कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा बगीचे में जो क्रैब एप्पल्स हैं जंगली एप्पल्स हैं उनको तोड़ने में डेरी हिम डेरी ने उसे बताया दैट ही हैड कम टू फा फ्रॉम हिज होम वो अपने घर से काफ़ी दूर आ, आया था यहाँ पे एंड हैडन टोल्ड एनी वन एनी थिंग अबाउट दिस टू हिज मदर और उसने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया था मिस्टर लेम टेल्सम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर अब मिस्टर ले मुझसे कहता है कि तो जाओ अपनी मदर से परमिशन लेकर आओ डेरी इट डिफिकल्ट डेरी को बड़ा ही कठिन लगता है एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल बिटवीन बोथ ऑफ और अब इसके ऊपर क्या होता है एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है उन दोनों के बीच एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन और आखिरकार डेयरी मान जाता है कि वो वापस आएगा अपनी मदर से परमिशन लेकर हिज मदर डज नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक उसकी मदर नहीं चाहती कि वो वापस जाए बट ही कम्स बैक अगेन लेकिन वो फिर से वापिस आता है टू फुलफिल हिज प्रॉमिस अपने वादे को पूरा करने के लिए एंड मीन वाइलोरिसम क्लाइम्स दैडर मिस्टर लैम क्या होता है सीढ़ी पर चढ़ता है ऑन हिज ओन अपने आप टू प्लब द्रैबऐपल्स जो क्रैबऐ उनको तोड़ने के लिए एज ही वॉज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न क्योंकि उसे यकीन था कि डेयरी वापस नहीं आएगा ही वॉज डिजल्ड वो डिजेबल्ड था एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हम टू क्लाइम और उसके लिए ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था मिस्टर लैम फॉल्स फ्रामर एंड सी डी से गिर जाता है और मर जाता है डेरी ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ रिटर्न टू द गार्डन टू हेल्प हिम वापिस आता है गार्डन में उसकी हेल्प करने के लिए वेन ही एंट्रस द गार्डन जब वो गार्डन में आता है ही सीज मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड कि मिस्टर लैम जमीन पर लेटे पड़े थे मीन्स लेटे हुए थे पड़े थे डेयरी ट्राइज हा टू मेक हिम मूव डेरी को काफी कोशिश करनी पड़ी उसे मूव करने में बट ही डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्राम हिम लेकिन डेयरी को उसका उसे कोई जवाब नहीं मिलता है फाइनली ही कम्स टू नो उसे पता चलता है दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट क्राइम और क्योंकि वो मर चुका है और ये देख कर डेयरी बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है सो क्लास एयर द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड कि किस तरह से एक बच्चा जो एक टीन एज में है, जो दुनिया से नफरत करने लगता है बिकॉज ही हैज़ बर्न मान बर्न मार्क ऑन हिज फेस और किस तरह से मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन उसे बताता है एक अच्छा एक पॉजिटिव आस्पेक्ट को देखने का लाइफ को वो उसे एक सीख देता है एंड एट लास्ट ही फाउंड दैट ओल्ड मैन हु बिकम द फ्रेंड ऑफ दैट चाइल्ड वॉज फाउंड हिम डेड इन द गार्डन he was crying a lot

थी वो काफी पहले जो है उठ चुकी थी ड्यूरिंग द वॉर युद्ध में वो जो है टूट गई थी उठ गई थी मीन उसको ब्लास्ट हो गई थी बॉम्ब से एंड इन हिज हाउस वो अपने घर में अकेला रहता है देयर इज अ गार्डन नियर द हाउस उसके घर के पास एक गार्डन है इट हैज राइप क्रैप एप्पल्स उसमें पके हुए जंगली सेब हैं लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर जो ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं एंड मिस्टर लैम इज़ सिटिंग इन हिज गार्डन मिस्टर लैम अपने गार्डन में बैठा हुआ है वैन डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल जब डेरी एक गार्डन की दीवार को ऊपर चढ़ के उसके टू गेट इन टू हिज गार्डन उसके गार्डन में आता है दो द गेट इज़ ओपन हालांकि दरवाजा खुला था गार्डन का द बॉय डज नॉट यूज़ इट उस लड़के ने उसे यूज़ नहीं किया था तो जो डेरी है वो कैसे आया उसके गार्डन में क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल जो गार्डन की वॉल थी उसे उस दीवार पर चढ़कर क्वेश्चन नंबर टू डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज मिस्टर कुछ था आंसर इज डर इज बंट फेस मेड हिम सेंटर ऑफ रेडिक डेरी का जो बर्न्ट फेस है वो एक सेंटर है केंद्र है सभी लोगों के लिए मजाक बनाने का एंड ऑल दो हालांकि पीपल सिंपथराइज विद हेम उसका उसके साथ जो है सिंपत्ति भी वो शो करते हैं इट हैज़ इट वाज नेवर अ हार्ट फेल्ट वन लेकिन वो इतनी ज़्यादा हार्ट फेल्ट नहीं थी मींस हार्ट टचिंग नहीं होती थी जो उनकी सिम्पत्ति दे पीपल शो टूवर्ड्स हिम एंड दिस रिजल्टेड इन हिज पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ और इसकी वजह से क्या वो एक पेसिमिस्टिक मींस एक निराशावादी अप्रोच बना लेता है दुनिया के प्रति जीवन के प्रति नफरत करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं ऑन द कॉन्ट्री दूसरी तरफ मिस्टर ने कोई पीटी उसकी तरफ दिखाई नहीं कोई दया नहीं दिखाई ही कंसिडर डायरी टू बी हिज इक्वल वो उसे लगता है कि डायरी उसके बराबर है एंड वेलकम्ड हिम इन गार्डन गार्डन में वेलकम किया उसने ही हेल्प द बॉय उसने उस बॉय की हेल्प लव एंड लेव लाइफ हैप्पी ले विदाउट एनी कंटेम्प्ट फॉर हिज ओन सेल्फ कि बिना अपने सेल्फ जो खुद का एक सेल्फ है यानी अपने प्रति इतना ज़्यादा कंटेप्ट हुए बिना जीवन को खुशी खुशी और बड़े प्यार से जिए डेरी हैड इनिशियली कंसिडर्ड द ओल्ड मैन टू बी लाइक अदर्स पहले तो डेरी इनिशियली स्टार्टिंग में क्या करता है ओल्ड मैन को बाकी लोगों की तरह ही समझता है बट ही ग्रेजुअली स्टार्टड रिस्पेक्टिंग एंड लाइकिंग हिम फॉर वट सैड

he has an inclination towards Mr. Lamb. Why? The answer is Derry finds Mr. Lamb different from others. Derry ko lagta hai कि Mr. Lamb दूसरों से अलग था, अलग है and Mr. Lamb shows no shock or fear on seeing Derry's burnt face. और क्योंकि Mr. Lamb ने भी कुछ नहीं दिखाया ना कोई shock दिखाया ना कोई डर दिखाया Derry के जले हुए चेहरे को देखकर. Rather he talks to him in a loving manner. उसने बड़े ही अच्छे से उसे बात की. He welcomes him in to his garden. उसे अपने garden में welcome किया. You first to pluck एप्पल्स एंड मेक जेली फॉर हिम ही ऑफर्स टू प्लक एप्पल उसने कहा भी कि वो एप्पल तोड़ सकता है जेली बना सकता है उनसे ही कॉल हिम हिस्सा अपना फ्रेंड बताया ही सेज दैट थिंग्स लुक आउटवर्डली डिफरेंट की ऊपर से चीजें अलग दिखती हैं बट इनवर्डली दे आर ऑल द सेम वो सारी अंदर से सेम होती है ही गिवस द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स उसने फ्लावर के एग्जाम्पल दिए ट्रीज हर्ब्स वीड्स देर लुक डिफरेंट वो अलग दिखते हैं बट दे आर ऑल ग्रोइंग लिविंग थिंग लेकिन वो सारे से नफरत करता है एट दिसम सेन डू हिम मोर हार्मी बोटल ऑफ एसिड तो ये तो उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा एसिड की बोटल से कहीं ज्यादा एसिड बर्न ओनली द फेस क्योंकि एसिड ने सिर्फ उसका चेहरा जलाया बट हेटर वन अवे इन साइड लेकिन जो नफरत है वो अंदर से इंसान को जला देती है ही टेल्स डेयरी नेव थिंक ऑफ इज बन फेस वो कहता है डायरी से कि अपने जले हुए चेहरे के बारे में कभी ना सोचे ही हैज़ टू आर्म्स उसके दो हाथ हैं टू लेग्स आईज य ब्रेन एंड इफ ही हैज अ फॉर्म माइंड और उसका एक अच्छा फॉर्म स्ट्रॉन्ग माइंड है ही कैन डू बैटर दैन अदर्स वो दूसरों से अच्छा कर सकता है

और अकेलेपन का एक संकेत देता है वॉट आर द वेज इन विच वो कौन से तरीके हैं जिनसे मिस्टर लेम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स अपनी इन फीलिंग्स से वो ओवरकम यानी विजय पाना चाहता है आंसर इज ऑल दो द लॉन्नीस ऑफ डेयरी डोमिनेट्स द प्ले हालांकि जो डेरी की लॉन्नीस अकेलापन है वो इस प्ले में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है देयर आर एविडेंट ट्रेसेज ऑफ मिस्टर लैम्स लोनलीस लेकिन कुछ ऐसे सबूत भी हैं मिस्टर लैम के लॉनलीनेस के जो ये संकेत देते हैं थ्रू आउट द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले प्ले के पहले सीन में द ओल्ड मैन सेज दैट बूढ़ा व्यक्ति कहता है दैट हैविंग हर्ड द बीज कि जो बीज हैं मधुमक्खियों का जो सुनना है फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक ही नोज दैट वो जानता है दैट दे सिंग नॉट बज वो गाना गाते हैं बजिंग नहीं करते इट नॉट ओनली डिपेक्ट्स ये ना केवल दिखाता है हाउ हिज परसेप्शन वॉज डिफरेंट कि उसका परसेप्शन उसका चीज़ों को अपनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट वो अलग था फ्राम अदर्स दूसरों से बट ऑल्सो इलिस्ट्रेट लेकिन यह भी दिखाता है दैट ही वॉज लोनली वो अकेला था एंड दैट ही डिड नॉट हैव एनी वन टू बी विद उसके साथ कोई भी नहीं था साथ रहने के लिए अनदर एविडेंस दूसरा सबूत हमें मिलता है ऑफ हिज लोनलीस उसके अकेलेपन का इज़ द फैक्ट दैट इज सच्चाई में दैट द होल डे पूरा दिन ही सेट इन द सन एंड रीड बुक्स कि वो धूप में बैठता है किताबें पढ़ता है ही दिस प्रूव दैट ये प्रूव करता है दैट बुक्स वर हिज ओनली ट्रू फ्रेंड्स उसकी सबसे अच्छी दोस्त बुक्स थी ही सेज दैट हिज एम्टी हाउस फुल ऑफ बुक्स कि उसका जो खाली घर है वह बुक्से भरा हुआ था अंडरलाइनिंग द वे इन विच द वर्ड ऑफ हिज एमटी लाइफ वॉज फिल्ड इन बाय बुक्स और यहाँ पर अंडरलाइन किया जाता है मीन I mean, जो अंदरूनी अगर इसका मीनिंग समझा जाए जा इन लाइनों का तो माना जाएगा कि जो उसका खालीपन है वाइड ऑफ हिज एम्प्टी लाइफ जो खालीपन जो स्पेस है उसकी लाइफ का वो फिल्ड इन बाय बुक्स वो किताबों से भरा हुआ था बाई द एंड ऑफ दिस सीन इस सीन के अंत में इट बिकम्स ईवन क्लियर ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है दैट ही इज लोनली एंड सैड वो अकेला है उदास है वैन ही मटर्स टू हिम सेल्फ जब वो अपने आप से ही बड़बड़ाता है दैट नो वन कम्स बैक टू हेम कि कोई उसके पास वापिस नहीं आता है आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग पहली मीटिंग के बाद लाइक वाइज जैसे ही डिड नॉट एक्सपेक्ट डेरी टू रिटर्न वो डेरी को अभी उम्मीद नहीं करता है कि वो वापिस आएगा ही वॉज शो श्योर उसे इतना यकीन था दैट डेरी वुड नेवर रिटर्न कि डेरी कभी वापिस नहीं आ टू कलेक्ट ऑल द एप्पल्स हिमसेल्फ कि वो सीढ़ी पर चढ़ जाता है सारे एप्पल्स को कलेक्ट करने के लिए अपने आप ऑल दो हाला की डेयरी हैड ऑफर टू हेल्प हेम डेरी ने ऑफर किया था उसकी हेल्प करना आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर अपनी मदर को इन्फॉर्म करने के बाद आय निकले लेकिन दुखद घटना थी द ओल्ड मैन वुड हैव डाइड कि वो बूढ़ा आदमी मर गया मर जाता है अनोटिस्ड बिना नोटिस किए इफ डेरी हैड नोट रिटर्न टू फिल द एम टीन एस ऑफिस ऑन लाइफ उसके जीवन को का जो खालीपन है उसको भरने के लिए वो आता है तो ये जानने पहले ही वो मर जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री द एक्चुअल पेन और इनकनवीनियंस कोज बाय फिजिकल एम्पेयरमेंट इज़ ऑफन मच लेस दैन द सेंस ऑफ अलाइनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ वॉट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट फ्राम अदर्स द एक्चुअल पेन जो असली दर्द है इनकनवीनियंस असुविधा है कोज्ड बाय फिजिकल एम्पेयरमेंट जो शारीरिक डिजेबिलिटी की वजह से होती है ऑफन मच लेस वो कम होती है दैन द सेंस ऑफ अलनेशन एक अकेलापन हो जाना फेल्ट बाय द पर्सन विध डिजेबिलिटीज ऐसे व्यक्ति जो महसूस करता जिस सारे disabilities है जिसमें बहुत सारी डिजेबलिटीज़ हैं या कोई एक दो डिजेबलिटीज़ हैं वट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर क्या बिहेवियर है दैट द पर्सन एक्सपेक्ट फ्राम अदर्स वो दूसरों से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है इस तरह का व्यक्ति द आंसर इज अ प पर्सन विद एनी फिजिकल एम्पेयरमेंट कैन लिव लाइफ विद रेस्पेक्ट एंड ऑनर कोई भी व्यक्ति जिसे फिजिकल एम्पेयरमेंट है वो लाइफ को बड़े आदर से सम्मान साथ जीना चाहता है जी सकता है इफ़ इज नॉट रेडिक्यूल्ड अगर उसका कोई मजाक न उड़ाए एंड पनिश्ड विद हार्ट लेस्पिटी और उसके निर्दयी दया उस पर ना दिखाएं एंड ही एक्सपेक्ट एम्पति रादर देन सिंपति उसे सहयोग चाहिए सिम्पति सहानुभूति नहीं इफ एवरी वन लुक्स डाउन एट हिम अगर सभी कोई उसको इसी तरह से देखेंगे विद अ पैसिमिस्टिक अप्रोच एक नशावादी दृष्टिकोण से ही मैन एवर बी एबल टू कम आउट ऑफ हिस सोरो वो अपने इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली और इसका रिजल्ट होगा रिक्लाइन टू हिज ओन ओनक्लूडेड वर्ल्ड वो अपने ही उस पिछड़े हुए संसार में चला जाता है ही इज ऑलरेडी इन मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर वो पहले ही एक भावनात्मक मानसिक रूप से एक प्रेशर में होता है लगातार सो ही एक्सपेक्ट अदर्स तो वो चाहता है कि दूसरों से टू बी अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी समझ रादर देन रिमाइंड हिम ऑफ इज डिजेबिलिटी उसको डिजेबिलिटी ना याद दिलाएं बस कि उसको समझें इन द प्ले और इस प्ले में डेरी एंड मिस्टर लैम बोथ आर कॉट इन अ सिमिलर सिचुएशन दोनों ऐसी सिचुएशन में थे मिसम एज एन अडल्ट एक बड़े के रूप में इज़ एबल टू कॉप विद सच प्रॉब्लम्स क्योंकि वो बड़ा है तो वो इस प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ कॉप कर पाता है समझ पा रहा है उनको बट डेरी बिंग अ चाइल्ड क्योंकि डेरी तो एक बच्चा है इज़ नॉट एबल टू अंटेंगल दिस अलोन इस जाल को वो अकेला नहीं तोड़ सकता है ही डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर दिस ओल्ड मैन और वो इस ओल्ड मैन के प्रति एक स्ट्रॉग लाइकिंग एक डेवलप कर लेता है बिकॉज ही स्पोक द वर्ड अ पर्सन क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति के साथ बात की है विथ सच प्रॉब्लम जिसकी भी जिसके पास भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वुड वॉन्ट टू हेयर जो उसको सुनना चाहता है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर विल get back to his old seclusion, or will Mr. लैम्स brief association affect a change in the kind of life? क्या डेरी वापिस अपने उसी अकेलेपन में चला जाएगा और विल लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन या लैम का थोड़ा सा साथ विल अफेक्ट अ चेंज द काइंड ऑफ लाइफ उसके किसी तरह का प्रभाव कोई बदलाव लाएगा उसके लाइफ में हे विल लीड इन द फ्यूचर जो अपने जीवन में वो जी सकेगा द आंसर इज द ब्रीफ एसोसिएशन ऑफ़ डेरीज विद मिस्टर लैम बूस्टेड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस अब ये छोटी सी जो मुलाकात है डेरी की मिस्टर लैम से वो उसके जीवन को बूस्ट करती है एक एनर्जाइज करती है कॉन्फिडेंस से हेल्प हिम टू रेस्पेक्ट हिज ऑन सेल्फ अपने आप को आदर करने के रेस्पेक्ट करने में उसकी हेल्प करती है द मैनर इन विच द ओल्ड मैन मेड रिस्पेक्टिंग हिम सेल्फ ऑफ होल्डिंग ऑन टू टॉप ऑफ ऑन टू हॉप हेल्प डेरी अंडर गो अकेबल चेंज एक सेल्फ़ डिपेंडेंट का महत्व डिपेंड होने का एक आत्मनिर्भर होने के महत्व को बताना अपने आप को रिस्पेक्ट करना एक उम्मीद पर अड़े रहना ये सारी चीज़ें डेयरी के अंदर एक रिमार्केबल चेंज ले द न्यू फाउंड सेल्फ एस्टीम और यही जो एक अपने प्रति रिस्पेक्ट थी इसी ने मेक्स हिम टेल हिज मदर उसे इस काबिल बनाया कि वो अपनी माँ को बता पाया दैट हिज लुक्स आर मोटो इम्पोर्टेंट उसके जो लुक है उसका जो अपियरेंस है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है

सेटबैक्स और जो भी हुआ है उसकी वजह से वो पीछे नहीं रहेगा या आगे बढ़ेगा सो क्लास हेयर द समरी एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर सेक्स ऑन द फेस ऑफ इट्स कंप्लीटेड वॉच द वीडियो केयरफुली लाइक शेयर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू हैवे नाइस